गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे आप सब। मैं रोहित धीमान, एक बार फिर से स्वागत है एजीवी के अंदर। आज हम बात करने वाला हूँ आईटीआई के बच्चों के लिए, वैकेंसी आई है सीएसआईआर में। सीएसआईआर केंद्रीय औषधि अनुसंधान लखनऊ के अंदर है ये, सीएसआईआर सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसके अंदर आइए, टेक्निकल एंड स्पोर्ट्स स्टाफ रिक्वायरमेंट है 2020 ऑन http://cdri.res.in के ऊपर आप इसको चेक कर सकते हो। जो स्टार्टिंग डेट है रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एप्लीकेशन करने की, वो मंगलवार 29 दिसंबर 2020 से है, 10 बजे से स्टार्ट हो गई है। और जो इसकी लास्ट डेट है वो 5 फरवरी 2021 तक है, रात को 12 बजे तक। और अगर हम बात करें तो इसके बारे में देखते हैं आगे क्या क्या है इसमें। ये इन्होंने सबसे पहले बोला गया सीएसआई सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ के अंदर है, और इसके अंदर जो वैकेंसी आई हुई है वो हर एक कैटेगरी की है, डिप्लोमा, डिग्री, एमबीबीएस। लेकिन हम बात करेंगे आईटीआई वाले बच्चों के लिए, तो चलिए चेक करते हैं आईटीआई वाले बच्चों के लिए कौन सी वैकेंसी है और कितनी संख्या में है, चेक करते हैं। चलिए सबसे पहले हम चेक करते हैं, ग्रेड सेकंड के अंदर है टेक्नीशियन की टोटल 11 पोस्ट है, 4 जनरल की पोस्ट है, 2 एससी की, 3 ओबीसी और 1 ईडब्ल्यूएस और 1 पीडब्ल्यूडीएचएच के अंदर पोस्ट आई है। सबसे पहले TN010 इसका कोड है, टेक्नीशियन नंबर 1 है। ग्रेड सेकंड की जो बेसिक सैलरी होगी 19,990 रुपये से 63,200 रुपये होगा, लेवल 2 के अंतर्गत आते हैं। और ओबीसी के अंदर एक सीट है, एज लिमिट है 28 साल के लिए, और जो क्वालिफिकेशन चाहिए आपको 10th क्लास होना चाहिए, साइंस सब्जेक्ट होना चाहिए, 55% नंबर के साथ पास होना चाहिए। और आईटी सर्टिफिकेट जो हमारा स्टेट ट्रेड, इसने बोला नेशनल या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट, मतलब एनसीयूटी एससीयूटी कोई भी हो, लेकिन किस में होना चाहिए, लैब असिस्टेंट केमिकल और 2 ईयर्स फुल टाइम एक्सपीरियंस। आपकी ट्रेड जो होगी वो होगी लैब असिस्टेंट केमिकल के अंदर, और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है। और इसका जो एक्सपीरियंस है मांगा गया वैट लेवल एक्सपीरियंस इन केमिकल साइंस के अंदर। और जो दूसरी आई है TN02 जो इसका कोड है, टेक्नीशियन नंबर 1 लाइफ साइंस में है, सेम सैलरी है 19,990 रुपये से लेकर 63,200 रुपये। एक जनरल की वैकेंसी है, एक एससी वैकेंसी है, एज 28 साल है, हमारी 10th क्लास वही है, 55% से पास होना चाहिए, और आईटीआई सर्टिफिकेट जो आपका होना चाहिए वो लैब असिस्टेंट 2 ईयर फुल टाइम एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिस ट्रेनिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट। मतलब आपका अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट होना चाहिए 2 साल का, ठीक है, और वो भी किसके अंडर आना चाहिए, आपका किसी हॉस्पिटल के अंडर आना चाहिए, इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्निकल या मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी के अंतर्गत। चलिए आगे देखते हैं, नंबर 3 है TN03 टेक्नीशियन नंबर 1 SNT मैनेजमेंट। यहाँ पे जनरल की एक वैकेंसी है, एक वैकेंसी है AWS की, एक OBC की है, एज 28 साल है, आपकी 10th क्लास 55% से होनी चाहिए, और जो ITI NCVT SCVT है वो होनी चाहिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या डाटा एंट्री ऑपरेटर या बिजनेस मैनेजमेंट या सेक्रेटरियल प्रैक्टिस या कंप्यूटर ऑपरेटर, और 2 ईयर्स फुल टाइम एक्सपीरियंस एज एन अप्रेंटिस ट्रेनिंग। और जो आपका 2 साल का एक्सपीरियंस लेटर भी होना चाहिए एज अप्रेंटिस ट्रेनिंग के इंस्टीट्यूट के अंतर्गत, और किसके अंदर, इन टेक्नोलॉजी हो, सेक्रेटरी हो या कमर्शियल प्रैक्टिस हो, वो यहाँ पे चलेगा। तो मतलब यहाँ पे आपको क्या होना चाहिए, आपका जो ट्रेड है वो कंप्यूटर से रिलेटेड होना चाहिए, साथ में 2 साल का अप्रेंटिसशिप होना चाहिए आपका, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। आगे देखते हैं, TN04 टेक्नीशियन नंबर 1 की वैकेंसी है लेबोरेटरी एनिमल के लिए है। जो आपका पे स्केल होगा वही होगा 19,990 रुपये से 63,200 रुपये। एक जनरल वैकेंसी है, एक ओबीसी की वैकेंसी है, 10th क्लास 55% नंबर, और आईटीआई सर्टिफिकेट जो आपका वो होना चाहिए लैब असिस्टेंट, और 2 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, मतलब वही ट्रेड रखी गई है, लैब असिस्टेंट का होना चाहिए और साथ में 2 साल का आपका अप्रेंटिसशिप कोर्स होना चाहिए। आगे देखते हैं, TN05 टेक्नीशियन नंबर 1 सेंट्रलाइज यूटिलिटी सर्विस, इसके लिए एक PWDHH की वैकेंसी है, और इसमें आपको 10th क्लास के साथ साथ क्या चाहिए, सर्टिफिकेट इन हॉस्पिटल हाउसकीपिंग, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर या हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट, ये ट्रेड होना चाहिए, साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज अप्रेंटिसशिप, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो।
और TN06 टेक्नीशियन नंबर वन की इलेक्ट्रिक सर्विस के लिए है। इसमें एक जनरल वैकेंसी है, आपको 10th क्लास के पास के साथ साथ आपकी आईटीआई ट्रेड इलेक्ट्रिशियन भी होनी चाहिए, साथ में आपका 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए अप्रेंटिसशिप, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और जिसमें लास्ट वैकेंसी है TN07 टेक्नीशियन नंबर वन डिस्पेंसरी की है, एक SC की सीट है यहाँ पे, 10th क्लास आपको 55% नंबर और ITI जो आपकी वो होनी चाहिए इन नर्सिंग ट्रेड से, नर्सिंग ट्रेड से आपकी सर्टिफिकेट होना चाहिए NCVT SCVT और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए अप्रेंटिसशिप या ट्रेनिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन इन नर्सिंग ट्रेड से। आगे देखते हैं कि इसमें आपका जो सिलेक्शन है ये एग्जाम पीरियड वो कैसे होगा और कितनी बार आपका एग्जाम लिया जाएगा। देखिए इन्होंने साफ बोला गया है जो आपका एग्जाम होगा वो OMR कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस ऑप्शन टाइप क्वेश्चनों के साथ होगा, और जो आपका मीडियम ऑफ क्वेश्चन है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे आपके क्वेश्चन, इंग्लिश में भी आपको शो करेंगे और हिंदी में भी शो करेंगे। और जो आपका स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम है वो 10th प्लस ITI प्लस अगर आपने प्लस टू किया है तो वो स्टैंडर्ड आपका रहेगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 रहेगा और टाइम अलॉटेड रहेगा 2 घंटे 30 मिनट, और पेपर नंबर 1 टाइम अलॉटेड 1 आवर 1 घंटा रहेगा। सब्जेक्ट है मेंटल एबिलिटी टेस्ट होगा आपका, 50 नंबर का क्वेश्चन होगा और मैक्सिमम मार्क्स होंगे हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा। और इन्होंने साफ लिखा गया देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स इन दी पेपर, इस पेपर में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर आपका आंसर गलत होता है तो आपके सही आंसर के नंबर नहीं कटेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। और इन्होंने थोड़ा ये भी बताया गया है कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट विल बी डिसोल्व सो एज इंक्लूड जनरल इंटेलिजेंस, आपकी GK, क्वांटिटी एप्टीट्यूड, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिचुएशन जजमेंट, ये सब इसके अंदर क्वेश्चन रखे जाएंगे। आगे चलते हैं, पेपर नंबर 2 जो होगा टाइम अलॉटेड होगा 30 मिनट का, सब्जेक्ट है जनरल अवेयरनेस, 25 नंबर क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो 75 नंबर मार्क्स का होगा, और 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, और 1 गलत आंसर के साथ क्या होगा 1 मार्क आपका काट लिया जाएगा हर एक गलत आंसर के साथ। और आगे इंग्लिश लैंग्वेज 25 क्वेश्चन है, सेम 75 मार्क्स के रहेंगे और 1 नेगेटिव मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर, और 1 मार्क आपका काट लिया जाएगा प्रत्येक गलत आंसर के साथ। और पेपर नंबर 3 जो है इसमें टाइम अलॉटेड रहेगा 1 घंटे का, और जो सब्जेक्ट आपका रहेगा कंक्विस्ट सब्जेक्ट जो आपका है, और 50 क्वेश्चन आएंगे, 150 नंबर का होगा, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन का आंसर होगा, एंड इसमें भी नेगेटिव मार्किंग दिया है कि आपका 1 क्वेश्चन गलत होगा तो 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे फीस देख लेते हैं, जो आपकी फीस रहेगी 100 रुपये रहेगी, 100 रुपीज रहेगी, और एज पर फीस पेमेंट प्रोड्यूस अवेलेबल ऑन दी वेबसाइट, वेबसाइट पे आपको दिया है दी कैंडिडेट बिलोंग टू SC ST PWD वोमेन अदर कैंडिडेट अदर जेंडर कैटेगरी CSI एम्प्लॉई या एक्स सर्विसमैन, इनसे कोई फीस नहीं ली जाएगी, ठीक है। यानी जो आपको SC ST PWD वोमेन अदर जेंडर कैटेगरी या एक्स सर्विसमैन हो तो उनसे नहीं लिया जाएगा। और जो इसकी लास्ट डेट है वो 5/2/2020 तक की है, क्लोजिंग डेट है इसकी। आपको इसको अप्लाई कैसे करना, हाउ टू अप्लाई, एलिबल कैंडिडेट जो भी इच्छुक कैंडिडेट है वो इसको अप्लाई करने के लिए वेबसाइट दिया हुआ इन्होंने https://required.cdri.res.in पे आप जाके इस फॉर्म को फिल कर सकते हो, या एक और इनकी https://cdri.res.in पे जाके आप इसको फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, और यहाँ पे आपका सब कुछ हो जाएगा, फीस भी हो जाएगा और फॉर्म सबमिट भी हो जाएगा। और इन्होंने एक बात और बोली गई है, फॉलोइंग डॉक्यूमेंट मस्ट बी अटैच अलोंग विद द फिजिकल हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम सेंट बाय पोस्ट। जब आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा तो उसमें जो आपके डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए कलर्ड फोटोग्राफ होना चाहिए, पेस्टेड ऑन द फॉर्म, फॉर्म के ऊपर आपका कलर फोटोग्राफ लगाना चाहिए और उसके ऊपर सिग्नेचर होने चाहिए, और सेल्फ अटेस्ट फोटोकॉपी चाहिए, 10th या प्लस टू क्लास का सर्टिफिकेट हो जिसको डेट ऑफ बर्थ के लिए इंक्लूड किया जाना है, सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एजुकेशनल जो भी आपकी ट्रेड है या आपकी क्वालिफिकेशन है उसकी जो फोटोकॉपी सेल्फ अटेस्टेड करनी है, और DS सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ कास्ट जो भी आपकी कास्ट सर्टिफिकेट से है तो उसकी सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी आपको सेंड करनी है,
और सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो भी आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है उसको सेल्फ अटेस्टेड के साथ सेंड कर देना है। एंड ऑल दी अदर सपोर्टिव डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट दी एप्लीकेशन, और जो भी इनसे अलग कुछ डॉक्यूमेंट रह गया आपकी आईडी प्रूफ या अन्य कोई, तो उसको भी सेल्फ अटेस्टेड के साथ आपको सेंड कर देना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नॉलेज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।